हेलो इंटरनेट, आज का टॉपिक उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो या तो KTM के ओनर्स हैं या जो KTM में इंटरेस्टेड हैं। सो जैसे कि आप वीडियो के हेडिंग देखकर समझ चुके हैं, हम KTM के इंजन लाइफ के बारे में बात करने वाले हैं कि उनका इंजन बिना किसी प्रॉब्लम के कितने किलोमीटर तक चल सकता है। तो इस टॉपिक की शुरुआत ही मेरे एक्सपीरियंस से करते हैं। मैंने अपनी ड्यूक 390 आज से 7 साल पहले 2013 में ली थी। जब से लेके अब तक गाड़ी बिना किसी प्रॉब्लम के चल रही है, कोई उसमें मुझे किसी भी तरीके की प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ी। नॉर्मल सर्विस और नॉर्मल वियर टियर के अलावा मुझे और भी किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं आई। प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हुई जब बाइक 40,000 किलोमीटर्स कवर कर चुकी थी। उस टाइम बाइक में ओवर हीटिंग का प्रॉब्लम आने लग गया और बार बार डिस्प्ले पर लो ऑयल प्रेशर शो होने लग गया। मैं इसके बाद बाइक को सर्विस सेंटर भी लेकर गया 2-3 बार। मैंने उन्हें पूरी प्रॉब्लम्स भी बताई, पर शायद वो समझ नहीं पाए क्या इशू है और मुझे नॉर्मल सर्विस करके वापस गाड़ी दे दिया करते थे। अब कुछ दिन पहले मैं गाड़ी वापस सर्विस सेंटर लेके गया और अपने सामने उसका चेकअप कराया, तब उसमें पता लगा कि गाड़ी बहुत ज़्यादा इंजन ऑयल खा रही है। उसकी लास्ट सर्विस कुछ 1 महीना पहले ही हुई थी और उसमें ऑलमोस्ट सारा इंजन ऑयल ख़त्म हो चुका था। बाइक के इंजन ऑयल की कैपेसिटी 1.5 लीटर है, जो सिर्फ 100 ml बाकी रहा था उस टाइम। फिर इस बात को लेकर मैं कंसर्न था कि मेरी गाड़ी में ऐसा प्रॉब्लम क्यों हो गया, क्योंकि मैंने हमेशा अपनी गाड़ी टाइम टू टाइम सर्विस कराई है और प्रॉपरली मेंटेन की है। फिर उन्होंने अपने सीनियर से बात की, कुछ अपने कलीग से बात की, फिर उसके बाद मुझे बताया कि गाड़ी का शायद बोर और पिस्टन ख़राब हो चुका है, जिसके लिए इंजन ओपन होगा और उसमें मेजर रिपेयर की ज़रूरत पड़ेगी और इस रिपेयर का खर्चा तकरीबन 30,000 से 35,000 के बीच में आएगा। फिर उन्होंने बताया कि KTM की बाइक्स जो 40,000 किलोमीटर क्रॉस कर चुकी हैं, उनमें से लगभग सभी में ये प्रॉब्लम आ रहा है और उन्हें बोर और पिस्टन ऑलमोस्ट सब में रिप्लेस करना पड़ रहा है। अब ये बात और कंफर्म हो गई जब मैंने इंटरनेट पर फॉरम्स पर पढ़ा, यूट्यूब पर वीडियोस देखे और कुछ एक्सपर्ट से बात की। सबका यही कहना था कि 40,000 किलोमीटर के आसपास बाइक में एक मेजर रिपेयर की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें इंजन ओपन होता है और एक्सपेंडिचर 30-35,000 के आसपास आता है। अब बात ही आती है कि इंजन लाइफ के बारे में पता होने के बाद क्या आपको बाइक परचेज करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए। मेरे हिसाब से तो आपके बैंक डिसीजन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। अगर आप परचेज़ करना चाहते हैं तो बिल्कुल जाके परचेज़ करें। नई गाड़ी में मेरे ख्याल से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। एक आम आदमी को 40,000 किलोमीटर कवर करने में कम से कम 4 से 5 साल तो लगेंगे और उसके बाद आपको अगर 30,000 रुपीज़ स्पेंड करने पड़ते हैं सेम उसी परफॉर्मेंस के लिए, तो मुझे नहीं लगता वो ज़्यादा बड़ी बात होनी चाहिए। और मेरे हिसाब से तो आपके बैंक डिसीजन पर इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। पर अगर आप एक यूज बाइक खरीद रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसका इंजन 40,000 से 50,000 किलोमीटर ही चलेगा। सो मेरी ओपिनियन के हिसाब से अगर आप नई बाइक परचेज करना चाहते हैं तो बिल्कुल जाके करें, और अगर आप एक यूज बाइक लेना चाहते हैं तो इस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखें कि गाड़ी कितने किलोमीटर चल चुकी है और उसकी इंजन लाइफ कितनी बाकी है। सो मेरी तरफ से वीडियो में इतना ही। अगर आपके पास कुछ एडिशनल जानकारी है जो आप शेयर करना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताएं।